हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्डोज ऐप की। और इस ऐप पर आप जो है, इस एप्लीकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन करके मनी अर्न कर सकते हैं डाउट सॉल्व करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पूरी एप्लीकेशन, कैसे हम इसके फॉर्म भरेंगे और कितनी इसमें जो है पेमेंट हमें बनेगी पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्डोज ट्विटर ऐप की। इसमें ये ऐप भी है और आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाता है, इसमें कोई भी आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है क्वालिफिकेशन जो आपसे मांग रहा है, आपको उसकी डिटेल पूरी इसमें भरनी है। डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वो आपका जो है पूरा जो आपने डिटेल भरी है, अगर वो करेक्ट है और अकॉर्डिंग टू जो उनकी नीड है उसके उसको फुलफ़िल करती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्डोज की। तो यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। गेट क्लियर्ड योर डाउट्स इन अ वेरी लेस टाइम। लेस टाइम में आपको जो है डाउट सॉल्व करने हैं और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप कितने भी सॉल्व कर सकते हैं। और सम ऑफ सच फेमस वेबसाइट्स आर लाइक टॉपर, चेक, कॉन्डोज एक्सेट्रा। टॉपर इज ऑल्सो अनदर वेबसाइट ऑन विच वन कैन वर्क एज अ ट्विटर। दिस इज आवर सेकेंड ट्यूटोरियल टू अर्न मनी बाय सॉल्विंग JEE और NEET नीट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, JEE और नीट के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्डोज इज बिकमिंग अ लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर आस्किंग डाउट्स फॉर JEE मेंस एंड नीट एग्जाम एंड गेट क्लियर योर डाउट्स इन वेरी लेस टाइम। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर आप लोगों ने जो है JEE मेंस एडवांस वगैरह क्लियर करा है और या फिर आपने नीट वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफाइड आपने करे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इनके जो है आप डाउट सॉल्व करके अपनी भी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं और साथ में आप जो है इससे मनी भी अर्न कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिन्होंने JEE मेंस या फिर नीट वगैरह के एग्ज़ाम क्वालिफाइड करे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर तो ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसमें क्या होता है। वर्क एज अ ट्विटर ऑन कॉन्डोज, आपको एज अ ट्विटर वर्क करना होगा और यहाँ पे पेमेंट गिवन होती है और जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट करना होगा। पेमेंट प्रूफ जो है आपका इसमें अकाउंट में आपकी पेमेंट आएगा डायरेक्ट NEFT के थ्रू, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं वो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इसमें है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप देखिए, अगर आपने JEE मेंस वगैरह करा है तो उसमें आपके तीन सब्जेक्ट रहते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अगर आप लोगों ने नीट एग्ज़ाम करा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो आपका जो भी अच्छा हो, जिसमें आपका बेस क्लियर हो, या आप तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं या एक जो भी आप चाहे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन दी ऐप पिक्चर इन द गिवन इज पोस्टेड देन आ ट्विटर कैन आंसर दैट क्वेश्चन इन 30 मिनट्स टाइम लिमिट। 30 मिनट के अंदर आपको उन क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइप से आप जो है क्वेश्चन वगैरह आपके पास रहेंगे। और यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह दिखाई गई है अर्न थाउजेंड्स बाय सॉल्विंग क्वेश्चन, मतलब आप हज़ारों रुपए भी इसे सॉल्व करके क्वेश्चन को कमा सकते हैं। और डिस्कवर न्यू क्वेश्चन, इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं नए नए क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है। हाउ कैन पेमेंट गिव इन ट्विटर, तो कैसी पेमेंट इसमें मिलती है, तो इसमें जो पेमेंट है फॉर एनी क्वेश्चन यू विल गेट ₹20 इंडियन रुपीज़ और 10 और 0। यहाँ पर आपको ₹20 कुछ क्वेश्चन के मिलेंगे, ₹10 भी मिलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से और 0 भी मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। अगर अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड है, तो ₹20 आपको मिल जाएंगे और इजी क्वेश्चन वगैरह है तो ₹10 मिल जाएंगे और ₹0 भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व करा है और उसका आंसर जो है गलत है, तो आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं मिलेगा। बात करते हैं आगे, तो बैंक अकाउंट में आपके पेमेंट मिलेगा NEFT के थ्रू, इसलिए आपको जो है बैंक अकाउंट अपना IFSC कोड देना होगा। पैन नंबर आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वन हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन टू गेट देयर अमाउंट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। जब आप एटलीस्ट कम से कम आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो तब आपको जो पेमेंट है उन 5 क्वेश्चन का एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। ऑन फ्राइडे ऑफ अ वीक, वीक के फ्राइडे में द पेमेंट ऑफ ईच ट्विटर इज प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली। हर फ्राइडे को, हर हफ्ते, मतलब फ्राइडे को आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस्ड कर दिया जाएगा। और देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी। मनी को विड्रॉवल करने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में मनी पहुंच जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर मैं जो है आपको लिंक दे दूँगी, तो आप डायरेक्ट जो है गूगल फॉर्म पर आ जाएंगे। तो गूगल फॉर्म पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप का आ जाएगा कि ट्विटर का रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्रैकिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो JEE यहाँ पर JEE मेंस और जो आपकी नीट वगैरह के क्वेश्चन है उसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर आपने JEE मेंस या नीट वगैरह क्वालिफाइड करा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर भर देनी है।
तो मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है, और जैसे ही मैं अपनी ईमेल आईडी डालूँगी पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से क्या होगा खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है, नेक्स्ट करा है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगी इसमें आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। हाउ डिड यू नो अबाउट अस, आप कैसे इसमें मतलब पता चला है आपको, कौन सी साइट से आपको जो है इस ऐप के बारे में पता चला है। यहाँ पर अपना कॉलेज डालना है, किस कॉलेज में आपने जो है एडमिशन लिया है। डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन आपको डालनी है कि कौन से डिपार्टमेंट या सेक्शन में आपने मतलब कि ब्रांच वगैरह या स्ट्रीम आपने चूज़ करी है। फिर IIT JEE मेंस की रैंकिंग आपको डालनी है, और उसका जो सर्टिफिकेट है, स्कोर कार्ड है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर आप IIT JEE एडवांस रैंकिंग आपकी जो है एडवांस में कितनी रैंक आई है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उसका भी आप जो है यहाँ पर स्कोर कार्ड डाल देंगे। ये जो है यहाँ पर देखिए नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पर इसका नहीं लगा है। अगर आप के पास नहीं है और तब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करें, सिंपली इन पर कोई भी अपलोड ना करें। मोस्टली ये जो है ये JEE मेन्स और नीट वगैरह के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर है प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। NEET नीट रैंकिंग, तो यहाँ पर अगर आपने JEE मेन्स या एडवांस नहीं करा है, तो आपने नीट अगर करा है तो आप नीट का यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड यहाँ पर अप्लाई करना है। प्लीज़ अपलोड एनी अगर स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट, स्कूल कॉम्पिटिशन एग्जाम कॉलेज वगैरह का, अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट भी है तो आप यहाँ पर ऐड करके ऐड फाइल करके इसको अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर है कि आप किसी अदर लैंग्वेज में भी जो है ऐड कर सकते हैं, किसी अदर लैंग्वेज में भी आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यस नो में आपको कर देना है। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू प्रेफर टू सॉल्व क्वेश्चन, आप कौन सी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी इंग्लिश में, या फिर आपको जैसे दूसरी लैंग्वेज होती है तमिल मलयालम, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आपके कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया में जो है JEE, ऑल इंडिया के स्टूडेंट JEE नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको मतलब कि उसमें अटेंड करते हैं और जो है एग्ज़ाम पेपर देते हैं। तो आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम पेपर आप दे सकते हैं प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिख देनी है। डू यू हैव एनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर ऑलरेडी वर्किंग इन कॉन्जू एज अ ट्यूटर, तो यहाँ पर क्या है आपके फ्रेंड वगैरह या फैमिली मेम्बर्स कोई पहले से वर्क कर रहा है, तो यस नो आपको कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पेज 2 ऑफ 18, मतलब 18 पेज टोटल हैं, तो आपको पूरी प्रोसेस भरनी होगी। उसके बाद फाइनली आपके पास ईमेल आएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लाइफ टाइम मतलब अच्छी अर्निंग इससे कर सकते हैं। आप लोग कॉलेज टाइम में भी अगर फ्री टाइम है आपके पास तो आप बैठ के डाउट सॉल्व करते रहे, या आपने जैसे एक बार JEE मेन्स वगैरह निकाल लिया है और आपके पास फ्री टाइम है, जैसे कॉलेज में एडमिशन वगैरह अगर आपने नहीं लिया है और उस टाइम पर भी आपके पास जो है टाइम है, या आप जो है मनी अर्न करना चाहते हैं पार्ट टाइम वर्क करके, तब भी आप 1-2 घंटे इसमें वर्क कर लें तो अच्छी इनकम आप इससे बना सकते हैं पर डे की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।